हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उम्मीद क्लब में बही हास्य रस की धारा। उम्मीद क्लब की ओर से आयोजित हास्य कवि सम्मेलन में हास्य रस की धारा बही। कवियों ने जहां अपने काव्य पाठ से दर्शकों को लोटपोट कर दिया, वहीं उनकी प्रस्तुतियों ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया। एक के बाद एक कवियों ने राजनैतिक परिदृश्य, पति पत्नी के रिश्तों व अर्थव्यवस्था पर भी कविताओं के बाण चलाए, जिससे पूरा क्लब प्रांगण हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। क्लब के मानद सचिव विनय कवाड़ ने बताया कि क्लब के सदस्यों को सांस्कृतिक मनोरंजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य के तहत आयोजित कवि सम्मेलन में विख्यात हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा ने अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। शर्मा की घरवाली अमेरिका में प्यार का कोटा करवा चौथ पर प्रस्तुत कविताओं ने सबको ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। टीवी फेम हास्य कवि प्रताप फौजदार ने राजनीति की वर्तमान स्थिति पर तंज कसा। इसके अलावा कोटा के सुरेश अलबेला ने अपने हास्य बोध से सम्मेलन की शोभा बढ़ाई। वहीं दिल्ली की श्रीमती शालिनी शर्मा तथा जोधपुर के डॉक्टर राम अकेला ने भी मनभावन प्रस्तुतियों से सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम संयोजक रवि जैन ने बताया कि इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष अनिल भंसाली, सचिव विनय कवाड़ सहित क्लब के अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित थे। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।